तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हिकविजन कंपनी का जो DVR है उसको आप खुद से ऑनलाइन कैसे कर पाएंगे बहुत इजीली। और इस DVR को ऑनलाइन करने के लिए दोस्तों हमें एक लैंड पोर्ट का जरूरत पड़ता है, ये वाईफाई के थ्रू नहीं होता है। इसको ऑनलाइन करने के लिए जो आप इंटरनेट इसे दीजिएगा वो आपको लैंड केबल के थ्रू देना होगा। तो आप कैसे इंटरनेट से इसे कनेक्ट करेंगे, DVR के अंदर आपको कौन कौन से सेटिंग्स करना पड़ता है वो मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही दोस्तों मोबाइल ऐप को कैसे आप डाउनलोड कीजिएगा, उसके अंदर आप कैसे कॉन्फिगर कीजिएगा, वो सारी चीजों को मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताया हूँ। कम्प्लीट वीडियो देखिए पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल टेक स्पैरो। तो सबसे पहले DVR को इंटरनेट देना होता है, उसके लिए मैंने यूज किया है 4G का राउटर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसमें डायरेक्टली सिम लग जाता है और ये नेट प्रोवाइड करता है। इसके अंदर आपको एक लैन पोर्ट मिल जाएगा और फिर और ये ट्रिपल एंटीना सेटअप है तो वाईफाई से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, पर DVR को तो लैन केबल से देना। तो देखिए इस तरह से लैन केबल यहाँ पे लगा हुआ है और इसी लैन केबल को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया DVR के अंदर। और इसका जो एडाप्टर होता है वो यहाँ पे देखिए DC पिन यहाँ लगता है और USB के थ्रू ये चलता है। इसमें एडाप्टर नहीं दिया जाता राउटर के साथ, सीधा आप DVR के अंदर इसको लगा देंगे इस तरह से USB के थ्रू और इंटरनेट का केबल यहाँ से कनेक्ट कर देंगे इधर। तो आप देख पा रहे हैं इंटरनेट की जो लाइट है वो ब्लिंक होना स्टार्ट हो चुकी है। तो इधर का काम हमारा दोस्तों हो चुका है, अब चलते हैं यहाँ स्क्रीन पे और देखते हैं यहाँ क्या सेटिंग करना है। ऑनलाइन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप राइट क्लिक कर लीजिएगा और लॉग इन कर लीजिएगा अपने DVR को, जो भी आपने पैटर्न पासवर्ड डाल रखा है उसके थ्रू। लॉग इन करने के बाद आप देख पा रहे यहाँ पे ये सेटिंग मेन्यू हमारे पास ओपन होकर आया है। तो दोस्तों यहाँ सेकंड लास्ट में आपको मिल जाएगा कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे यहाँ पे आपको नेटवर्क नाम का ऑप्शन मिल जाएगा, नेटवर्क पे क्लिक कीजिएगा। दोस्तों यहाँ आपको एक चीज का ध्यान ये रखना होगा कि बहुत बार क्या होता है कंपनीज वगैरह में हमें एक पार्टिकुलर IP दिया जाता है कि हमें इस IP के थ्रू ऑनलाइन करना है कैमरे को, यही IP आपके लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो उस जगह पे आप मैनुअली यहाँ पे IP डालिएगा, IP इस तरह से क्लिक करके यहाँ पे मैनुअली आप डाल लीजिएगा जो भी आपको डालना हो। इस तरह से देखिए आप टाइप करके डालिएगा, सबनेट मार्क से वो भी डाल लीजिएगा, प्लस जो गेटवे है और DNS, चारों चीजों को आप यहाँ पे खुद से मैनुअली भरिएगा, ठीक है। और अगर आप घर पे लगा रहे कहीं पे अपना पर्सनल राउटर है आपका, राउटर के थ्रू नेट दिया जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे दिया है, तो सीधा आप DHCP पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही DHCP पे आप क्लिक कीजिएगा DNS भी सिलेक्ट हो जाएगा और जितने भी IP पीछे दिख रहे थे आपको वो ब्लैंक हो चुका है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक IP डिटेक्ट कर लेगा आपके राउटर से। तो यहाँ क्लिक करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद आप अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग अप्लाई करेंगे थोड़े टाइम के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक IP एड्रेस ये डिटेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे IP भी ले लिया है, प्लस सबनेट मास्क और गेटवे और DNS चारों चीजों को ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कैच कर लिया है। अब जो सेकंड काम है हमारा वो है यहाँ हिक कनेक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये हिक कनेक्ट है मोबाइल ऐप जो यूज करते हैं आप, हिक कनेक्ट उसी की सेटिंग्स है। तो इस पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ सबसे पहले इसे आपको इनेबल करना होगा। तो इनेबल करने के लिए आपको इस पे क्लिक कर देना है, जैसे क्लिक करेंगे तो ये टैब आपके सामने ओपन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक QR कोड देख रहे होंगे, तो अगर आपको इसके टर्म्स कंडीशन को पढ़ना हो तो आप इस QR को स्कैन करके ओपन करके पढ़ सकते हैं। नीचे आप देख रहे लिखा हुआ है स्कैन द QR कोड टू रीड सर्विस टर्म्स एंड प्राइवेसी स्टेटमेंट। तो अगर आपको पढ़ना हो तो आप इसे स्कैन कीजिए, ओपन करके पढ़ लीजिए, और अगर नहीं पढ़ना हो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली आप इस बॉक्स को सिलेक्ट कर दीजिएगा। इस बॉक्स को आपको सिलेक्ट ही करना होगा। आप देख पा रहे इस पे लिखा हुआ आई हैव रीड एंड एग्री टू सर्विस टर्म्स एंड प्राइवेसी स्टेटमेंट। तो जब तक आप एग्री नहीं कीजिएगा तब तक आप ये इनेबल नहीं होगा। तो इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा देखिए ओके का बटन हाईलाइट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ओके कर देना। तो जैसे ही ओके करेंगे अब आप यहाँ देख पा रहे वेरिफिकेशन कोड भी आ चुका है और यहाँ पे सर्वर एड्रेस भी हमारे पास आ चुका है, बट यहाँ जो स्टेटस है ये ऑफलाइन है। और ऑफलाइन ये इसलिए है क्योंकि अभी हमने सिर्फ इनेबल किया है, अप्लाई नहीं किया है। और यहाँ पे आप एक QR देख रहे होंगे जो डाउनलोड करने के लिए दिया गया है ऐप को। तो यहाँ से जैसे ही हम लोग अप्लाई करेंगे देखिए एक और QR यहाँ पे आ जाएगा और थोड़ा समय लेगा, कुछ समय के बाद ये जो ऑफलाइन है देखिए ये ऑनलाइन में बदल जाएगा। तो आपने देखा अभी तुरंत आपके सामने ये ऑफलाइन था, तुरंत ऑनलाइन ये हो चुका है और ये QR आ गया। ये QR क्या काम आएगा आपके, तो ये आएगा डिवाइस को ऐड करने के लिए। आप देख रहे यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड डिवाइस हिक कनेक्ट, यानी हिक कनेक्ट ऐप के अंदर जब आप डिवाइस ऐड कीजिएगा उस समय आपको ये QR कोड काम में आने वाला है, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड है, इसको आई बटन पे क्लिक कीजिएगा तो ये इस तरह से आप देख पाएंगे। इसको आप चाहे तो यहाँ से इस तरह से हटा के मैनुअली भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहते नहीं, आप वेरिफिकेशन कोड खुद डालेंगे, अपना सेट करेंगे, जैसे मैं यहाँ 77991 डाल दे रहा हूँ और इसे अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो अब क्या कि देखिए यहाँ पे ये जो वेरिफिकेशन कोड है ये मेरा पर्सनल वेरिफिकेशन कोड हो गया। तो यहाँ पे मैंने जो वेरिफिकेशन कोड है ये पर्सनली मैनुअली अपना डाल लिया। अगर आप चाहते हैं नहीं भाई वही प्रोवाइड कर दे, मैं अपना कुछ नहीं डालू, तो यहाँ रिफ्रेश पे क्लिक कर दीजिए तो इस तरह का एक आपको वो वहां से वेरिफिकेशन कोड दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहें तो ये भी वेरिफिकेशन रख सकते हैं या मैनुअली डाल सकते हैं। तो मैं फिलहाल अभी यहाँ पे मैनुअली डाल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने मैनुअली डाल के अप्लाई कर दिया, तो मैंने 11133555 डाल दिया। ये कब काम में आएगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी हमारा क्या है दोस्तों, DVR ऑनलाइन हो चुका है। अब यहाँ पे दो QR कोड है, एक से हम लोग ऐप डाउनलोड करेंगे, एक से ऐप के अंदर डिवाइस ऐड करें। इधर का काम दोस्तों हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग एक
एक मोबाइल ले लेंगे जिस भी मोबाइल में हमें देखना हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने मोबाइल ले लिया है और सबसे पहले मोबाइल के अंदर स्कैनर को ऑन कर लेंगे। स्कैनर ऑन करने के बाद देखिए इस तरह से QR कोड के पास लेके जाएंगे तो देखिए इस तरह का एक लिंक हमारे पास आ जाएगा स्कैन होके। अब हम लोग गो टू वेबसाइट पे क्लिक कर देंगे। जिस भी ब्राउजर में आप इस लिंक को ओपन करना है वो वाला ब्राउजर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे यहाँ पे हिग कनेक्ट हमारे पास ओपन होके आ गया और गो टू डाउनलोड लिखा हुआ है, बस आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे आप देख पा रहे यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल 146.83 MB का ये है, आप इस पे क्लिक कीजिएगा, ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि ये जो फाइल है वो हार्म हो सकता है हमारे डिवाइस के लिए, तो आपको इसको ओके कर देना होगा। तो मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। तो चलिए फिर इसको ऊपर से इस तरह से स्लाइड करके चेक करते हैं हो रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हिग कनेक्ट का जो ऐप है ये हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। एक बार दोस्तों ये कंप्लीट डाउनलोड हो जाए उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो हिग कनेक्ट की ऐप है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब इसमें हम लोग क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद देखिए नीचे यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होकर आ चुका है और यहाँ नीचे ओपन लिखा हुआ आ रहा है, इस पे आप क्लिक करके इसे ओपन कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है और इस जगह पे आपको एग्री कर लेना है इसको। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे यहाँ स्किप का ऑप्शन मिल रहा है और सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे इंडिया ऑलरेडी सिलेक्ट मिल जाएगा। अगर सिलेक्ट नहीं है तो आप इस पे टाइप कीजिएगा, पूरा कंट्री इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप सिलेक्ट करके इस तरह से एरो क्लिक कर लीजिएगा, इंडिया सिलेक्ट आ जाएगा। इंडिया सिलेक्ट करके यहाँ से ओके कर देंगे हम लोग। यहाँ पे आप देख पा रहे ऐप हमारे पास ओपन होके आ चुका है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दोस्तों लॉगिन और रजिस्टर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पे क्लिक कीजिएगा, ये वाला पेज हमारे सामने ओपन होके आएगा और यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा बगल में, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एग्री कर लीजिएगा, यहाँ से आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, क्लिक कर लेंगे इस पे। अगर आपको ईमेल आईडी से करना हो तो आप यहाँ पे मेल आईडी डाल दीजिएगा, पासवर्ड डाल लीजिएगा और नीचे यहाँ पे अगर आपको मेल आईडी से नहीं करना है तो नीचे देखिए लिखा हुआ रजिस्टर्ड बाय मोबाइल नंबर फोन, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। नीचे पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे पासवर्ड आप सेट कर लीजिएगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों पासवर्ड कोशिश कीजिएगा अल्फाबेट न्यूमेरिकल और सिंबल तीनों हो, तो एक अच्छा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनता है। इसके बाद नीचे आपको मिल जाएगा गेट सिक्योरिटी कोड, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक कैप्चा डालना होगा, कैप्चा यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे मैंने कैप्चा डाल के ओके कर दिया। ये जो कोड है वो हमारे मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है, कोड आ गया है, मैंने कोड डाल दिया। कोड डालने के बाद आपको फिनिश कर देना है। जैसे ही आप फिनिश करेंगे ये डायरेक्टली ऑटो लॉगिन करके आपको यहाँ पे ले आएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे ऐड डिवाइस पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अलाउ करना है, फिर से अलाउ करना है, ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे देखिए इस तरह से स्कैनर ओपन हो जाएगा और आपको इस साइड वाला QR स्कैन करना है। तो जैसे ही मैं QR पे लेके जा रहा हूँ देखिए ऑटोमेटिक स्कैन कर लिया तुरंत उसको। यहाँ पे इसका जो मॉडल नंबर है वो लिखा आ रहा है इको सीरीज का और ब्रैकेट में ये जो दिख रहा है ये है सीरियल नंबर। वो जो QR है बेसिकली उस QR के अंदर ये सीरियल नंबर होता है। तो यहाँ से हम लोग ऐड कर लेंगे, ऐड पे क्लिक कीजिएगा। एडिंग कम्प्लीट यहाँ पे हो चुका है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप इसको रहने दे सकते हैं या फिर आप चाहें तो इस पे क्लिक करके इसको हटा लेंगे और यहाँ पे अपना नाम जो भी आप डालना चाहें आप डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे डेमो डाल दे रहा हूँ, डेमो DVR, और यहाँ पे सेव कर लेंगे, ऑथराइज नाउ पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से बैक कर देंगे और यहाँ आक्समी लेटर कर देंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देख पा रहे मैंने स्किप कर दिया उस ऑप्शन को। स्किप करने के साथ आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे और अब आप देख पा रहे डेमो DVR के नाम से यहाँ पे हमारा DVR शो कर रहा है। बस इस पे आपको इस तरह से क्लिक करना है। देखिए ऑनलाइन यहाँ पे हमारे पास फुटेज आ चुका है, डबल क्लिक कीजिएगा फुल स्क्रीन, डबल क्लिक करेंगे छोटा स्क्रीन। अब मैं बैक करके एक बार और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मोर का ऑप्शन नीचे आपको मिल रहा होगा, तो इस पे बेसिकली क्या होगा जैसे ही क्लिक कीजिएगा इस तरह से पूरा लिस्ट ओपन हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ एक कैमरा देखना है तो आप उस पे क्लिक करके एक कैमरा पे आ जाइएगा, आठों आपको ओपन नहीं करना होगा। फिर डबल क्लिक कीजिएगा छोटा हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही कैमरा चल रहा है, अभी और कैमरे नहीं आया। 9 का स्क्रीन लूंगा तो भी प्लस का सिंबल दिख रहा है। तो यही बेसिकली डिफरेंस है दोस्तों यहाँ पे मोर से करके आने का या फिर डायरेक्ट इस तरह से DVR पे क्लिक करके आ जाने का। दूसरा ये है दोस्तों जैसे ही आप मोबाइल को इस तरह से फ्लैट कीजिएगा ये फुल स्क्रीन में ऑटोमेटिक चला जाता है, मोबाइल को इस तरह से फिर सीधा कीजिएगा तो ये छोटा हो जाएगा। और हाँ दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताया था वेरिफिकेशन कोड के बारे में, मैं यहाँ पे इंक्रिप्शन ऑन करना भूल गया था। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रीम इंक्रिप्शन जो है ये यहाँ पे मैंने ऑन नहीं किया था, इसीलिए वेरिफिकेशन हमसे वहाँ पे नहीं मांगा ऐप के अंदर। आप इसे ऑन करके जैसे ही ओके कर दीजिएगा तो अब जाके जब भी मोबाइल पे हम लोग कॉन्फिगर करेंगे या किसी और मोबाइल पे इसको जब देखेंगे तो वो हमसे वेरिफिकेशन कोड मांगेगा। तो ये है दोस्तों वेरिफिकेशन कोड, सेटिंग के अंदर नेटवर्क सेटिंग के अंदर आपको हिग कनेक्ट के ऑप्शन में मिल जाएगा और यहाँ अगर ये आपको वेरिफिकेशन कोड नहीं
नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ आई का एक आइकॉन बना होगा, आप इस पर टैप कीजिएगा तो ये वेरिफिकेशन कोड विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन कोड आपको नोट डाउन करना है। इसके बाद मोबाइल स्क्रीन में आएंगे, यहाँ पे अपना यूजर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे जहां आप देख पा रहे हैं मैंने डेमो डीवीआर के नाम से यहाँ पे डीवीआर अपना ऐड किया, तो यहाँ पे आप टैप कर लीजिएगा। टैप करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सभी चैनल पे इस तरह से लॉग बना हुआ है, वीडियो प्ले नहीं हो रहा है, इस तरह से लॉग बन के आ रहा है। तो आप किसी भी एक चैनल पे टैप कर लीजिएगा, मैं इस पे टैप कर लेता हूँ। तो देखिए इस पे जैसे ही आप टैप कीजिएगा इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा जहां लिखा हुआ है प्लीज इनपुट द डिवाइस वेरिफिकेशन कोड। तो यहाँ पे आपको अपना वेरिफिकेशन कोड इंटर कर देना है और यहाँ पे ओके प्रेस कर देना है। जैसे ही ओके प्रेस करेंगे देखिए यहाँ पे ये जो कैमरा है हमारे पास प्ले होके आ चुका है, बट बाकी कैमरे में लॉक अभी दिख रहा है। तो कुछ नहीं करना आपको, बार बार नहीं डालना, बस इस पे इस तरह से टैप करते जाना। आप इस पे टैप करते जाइएगा, एक एक बार इसको टच करता जाइएगा सभी कैमरे पे, तो ये ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से एक कैमरा और लगा हुआ था तो ये प्ले हो गया, बाकी में कैमरे नहीं है तो नो वीडियो आ गया। तो इसी तरह से आप बहुत इजीली वेरिफिकेशन कोड डाल के वेरीफाई कर पाएंगे डिवाइस को। तो दोस्तों ये वेरिफिकेशन कोड आपको डालने की जरूरत कहां पड़ेगी, जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी दूसरे मोबाइल में लॉगिन करेंगे कैमरे को अपना व्यू करने के लिए, तो वहां पे आपको ये कोड डालने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप एक बार अगर कोड इंटर कर देते हैं तो आपको सेकंड टाइम कोड डालने की जरूरत नहीं है, बार बार आप लॉग आउट करके लॉगिन कीजिएगा, आपसे कोड नहीं मांगेगा। ओके, तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से खुद से आप हिक विजन के डीवीआर को ऑनलाइन करके बहुत इजीली देख पाएंगे अपने मोबाइल पे। और दोस्तों अगर हिक कनेक्ट ऐप के बारे में आपको डिटेल जानना हो, ऑलरेडी वीडियो बना के मैंने डाल दिया, प्लेलिस्ट है पूरा हिक कनेक्ट ऐप के बारे में, आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा, आपको हिक कनेक्ट के ऐप के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो को आगे भी देखते रहने के लिए हमें सपोर्ट करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि मेरे सभी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। और जाने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।